स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल गुरु। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद जो है आपके 3 और वीडियो आएंगे, जो कुल मिलाकर आपके पास 10 मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो हो जाएंगे। सो आप इन तमाम वीडियो को देख करके उसे कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे याद कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपने सफलता सुनिश्चित कर सके। साथ ही जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर बिहार दरोगा और बिहार SSC इंटरव्यू के लिए बिल्कुल फ्री बैच लाया हूँ। इस फ्री बैच में मैं सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिर आपको एंशेंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स भी दूंगा, जिससे वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दूंगा, ये आपको क्लास दूंगा, जिससे वो अपने इस वीडियो को देख करके अपने एग्जाम सफलता सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एग्जाम में वैकेंसी निकली है तो बहुत सारे जो कोचिंग पर आपको पता होगा या ऑनलाइन बैचेस में आपको ऑनलाइन पेड बैच बेचना शुरू कर दिए कि इतने में ले लो, इतने में ले लो। तो कहीं ना कहीं वैसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन क्षमता है एक गवर्नमेंट जॉब करने की, उनके पास मेहनत करने की काबिलियत है, उनके लिए मैं एक बिल्कुल फ्री बैच लाया हूँ और उनका सुनहरा मौका लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे नए इस चैनल को देख रहे हैं, इससे पहले मैंने 6 मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो डाले हैं, उसे देख करके उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, उसे याद कीजिएगा, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम होंगे, जैसे बिहार दुर्गा, SSC इंटर लेवल, उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज 7वें सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज कॉल्ड शेरे पंजाब। भारत में शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था? तो शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय। और लाजपत की मृत्यु कब हुई थी? 1929, जब साइमन कमीशन लाहौर में गया था तो उन समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेयर वाज HSRA फॉर्म इन इंडिया। HSRA का फुल फॉर्म होता है, पहले HSRA से बनने से पहले ये था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बना था 1924 में। इस HRA को बना करके काकोरी कांड करवाया गया, बाद में काकोरी कांड के सभी लोगों को, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई, वैसे ही बहुत लोगों को फांसी दी गई। अब बाद में इसी का एक नया वर्जन आया HSRA। HSRA जो है ये बनाया गया था कहाँ पर? तो ये बनाया गया था दिल्ली में, और इसके मुख्य जो कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। HSRA को इन्होंने HSRA को बनवाया था, और बनवाने के बाद 1928 में ये बना था, और उसके बाद 1929 में इन्होंने लाहौर के स्टेशन पर क्या बम मरवाया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेयर वॉज द गदर पार्टी फॉर्म। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में, अमेरिका में कौन सा जगह था? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में जगह कौन था? सैन फ्रांसिस्को। और कब हुआ था? 1913 में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश, मतलब भले ही आपको इंग्लिश दिख रहा होगा लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को देख करके इसे हिंदी में कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन, और उसे याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। हु इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, यानी भारतीय जनक के, भारतीय क्रांति की जो माता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा। ये पेड क्वेश्चन है गाइस, ये पेड क्वेश्चन यानी बिहार दुर्गा में पूछा हुआ है। भारतीय क्रांति की जो माता है वो मैडम भिकाजी कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण है, इन्होंने जर्मनी में, जर्मनी की एक जगह था स्टुटगार्ट, उन्होंने इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था, इस कारण से इन्हें क्रांति की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष किसके संस्थापक? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसे हिंदी बोलते हैं भारतीय इंडिपेंडेंस लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए बंगाल से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बंगाल के पार्टीशन में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। और पूछा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो होंगे सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर। और इन्हीं फ्रेजर के नाम पर पटना में फ्रेजर रोड का नाम रखा गया है। और ये कब थे? 1903 से लेकर 1908 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। वेन पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, यानी जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उस विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। और ये कब किया गया था? जब राजा का विजिटिंग हुआ था, जब इंग्लैंड के राजा George 5, यानी जिसको George 5 बोलते हैं, George 5 बोलते हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने ही ये बंगाल का जो विभाजन था उसे निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। विच कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस बाई गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो हो जाएगा 1905। जी हाँ, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उन्होंने कांग्रेस के लोगों को शांत रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश हुकूमत चाह ही यही रही है कि मैं बंगाल का विभाजन करूं और तुम लोग उग्र हो, जिससे मैं इस कांग्रेस पार्टी को एक आरोप लगाकर बंद कर दूं। और
जो लोग उनसे संपर्क थे, जो लोग इनके बात से सहमत थे वो नरम दल में हो गए, और जो इनसे संपर्क नहीं रखते थे वो लाल बाल पाल गरम दल में आ गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9। हु यूज द वर्ड स्वराज फर्स्ट, यानी स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज जो किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या इस्तेमाल किया था? स्वराज शब्द। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेयर वॉज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये था ढाका। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना? सलीम उल्ला खां। लेकिन सलीम उल्ला खां इसका संस्थापक थे, इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। वही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बेसिकली मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को ऐड करता हूँ। हु वाज द चेयरमैन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खां, और कब थे? 1906। संस्थापक कौन थे? सलीम उल्ला खां। कहाँ पर हुआ था? ढाका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, किस वर्ष भारत में दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया था? तो 1911 में जो थी वो दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में चुना गया था, और किसके कार्यकाल में? जॉर्ज फिफ्थ के कार्यकाल में, और इसी टाइम बंगाल का विभाजन भी रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर मुस्लिम डिमांडेड सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, किस वर्ष मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग चुनाव, अलग पृथक चुनाव प्रणाली की डिमांड की थी? तो वो था 1916। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, टाइपराइटर ने 1916 या 1946 कर दिया है। 1916 का लखनऊ पैक्ट, जैसा कि पता होगा कि लखनऊ पैक्ट में जो था वो एक तरह से हिंदू और मुसलमानों की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। यहाँ पहली बार गांधी की अध्यक्षता में हिंदू मुसलमान एक हुए थे लखनऊ पैक्ट में, और यहीं पर गांधी ने, यहीं से गांधी की जो पहली यात्रा शुरू हुई दांडी यात्रा, चंपारण यात्रा, जहाँ से वो एक फेमस लीडर के रूप में जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल इन इंडिया, होम रूल के संस्थापक भारत में कौन थे? देखिए होम रूल दो तरह का था, एक होम रूल, एक दूसरा ऑल इंडिया होम रूल। होम रूल की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, ऑल इंडिया होम रूल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा कौन सा? एनी बेसेंट। जी हाँ, होम रूल बाल गंगाधर तिलक, कहाँ पर? 1916 के महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल एनी बेसेंट मद्रास चेन्नई। ठीक है, और दोनों 1916 में ही था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फेबियन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिहार दरोगा क्वेश्चन आया था। फेबियन आंदोलन, इसके हिंदी में भी फेबियन ही बोलते हैं, फेबियन आंदोलन के मुख्य संस्थापक कौन थी? तो फाउंडर जो थे वो थे एनी बेसेंट थी, और कब से कब तक थी? 1847 से लेकर के 1933 तक, 1847 से लेकर 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द फिनिक्स फार्म इस्टाब्लिश्ड, फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, गांधी के द्वारा इस क्वेश्चन को बीपीएससी में ट्यून करके पूछा था, 64 बीपीएससी में। गांधी ने सबसे पहले अपना आश्रम कौन सा खोला था? तो उस आश्रम का ही नाम था फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम गांधी ने खोला था, कहाँ खोला था? तो जहाँ पर ये 21 साल तक थे, साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में। तो आंसर हो जाएगा डरबन, साउथ अफ्रीका, और इन्होंने कब खोला था? 1904 में। किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। हाउ मेनी ईयर्स गांधी लिव इन अफ्रीका, अभी जस्ट बता ही दिया आपको कि 21 साल जो थे वो रहे थे ये साउथ अफ्रीका में गांधी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, सभी कह सकते हैं ऑल इंडिया, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो थे वो सहजानंद सरस्वती, और ये कहाँ से थे? हमारे बिहार से थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूदान यानी भूमि का दान। भूमि का दान हुआ क्या था, इसके पीछे एक रीजन है। जब भारत हमारा आज़ाद हो चुका था तो बहुत सारे ऐसे बेघर लोग थे जो पार्टीशन के बाद आए थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और बड़े बड़े राजा इसको जमीन देना नहीं चाहते थे। तो आचार्य विनोबा भावे की व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इन्होंने लोगों को काफ़ी अपने बातों से कह सकते हैं इम्प्रेस किया, जिसके कारण बड़े बड़े राजाओं ने अपनी जमीन को दिया, और जिसके बाद इन्होंने लोगों को बसने का मौका दिया। तो भूदान भूमि का दान जो था वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश राज्य से, और कब से? 1951। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन 1940 हु फॉर्म रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एल छोड़ गया है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो रेडिकल पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने किया था, और कब किया था? 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन 1921 मोपला रिवोल्ट, आपको पता होगा मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था ये किसका हिस्सा था? तो ये हिस्सा था खिलाफत आंदोलन, चूँकि खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और उसी का एक भाग था मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग एनसीएम, एनसीएम का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, यानी आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग एनसीएम
हु लीड फार्मर फ्रॉम बिहार, यानी असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो थे विद्या विद्या स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, ठीक है, बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि जब गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था 1922 में, तो उसके बाद देश हमारा जो था वो बिल्कुल दिशाहीन हो गया था, कोई एक ऐसा लीडर नहीं था। और उसके बाद हुआ क्या था कि जो जवाहरलाल के पिता थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं तो इसका सिस्टम का हिस्सा बनकर तोड़ेंगे, और उन्होंने चुनाव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को हराने की बात कही, अपनी बातों को रखने की बात कही, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया गांधी के अरेस्ट होने के एक साल बाद। गांधी आपको पता होगा 1922 में असहयोग आंदोलन जो वो चला रहे थे, तो असहयोग आंदोलन कब से चला था, 1920 से लेकर 22 तक, और उसके जस्ट एक साल बाद 23 में बना स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की लोगों के माध्यम से, लेकिन हालांकि ये पार्टी जो है मात्र 7 साल तक ही चला और 1930 में ये खत्म हो गया। तो कौन किसके द्वारा बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, 1923 से लेकर 1930 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, हु इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली 1925। 1925 में नेशनल असेंबली के चेयरमैन के रूप में किसे इलेक्ट किया गया था, तो वो थे वंस अगेन मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, वही मोतीलाल नेहरू, चूंकि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और मोतीलाल नेहरू उसके प्रमुख थे, इसलिए उन्होंने 2 साल बाद 1925 में इनको नेशनल असेंबली का चेयरमैन चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर साइमन केम इन इंडिया। जी हाँ, साइमन गो बैक, यही साइमन के कारण लाजपत राय मारे गए थे कहाँ, लाहौर में। और साइमन किस साल भारत आया था, तो 1928 में ये मुंबई आया था, और 1929 में जब ये कहाँ गया था, लाहौर गया था, तो लाहौर के जो नेतृत्व थे लीडरों का वो थे लाजपत राय, और वहीं पर लीडरों के नेतृत्व करते हुए लाजपत राय को लाठी लगी सिर पर, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 1930 पर, और उसी का बदला लेने के लिए, लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही HSRA को बनाया गया था 1928 में। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कांग्रेस ने किस जगह से संपूर्ण आज़ादी का, संपूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा किया था, तो वो था लाहौर, लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी डेज दांडी मार्च फॉलोड। दांडी मार्च कितने दिन तक चला था, कभी कभी इस क्वेश्चन को ट्यून कर देता है, पूछता है कब से कब तक चला था, कभी पूछता है कितने दिन चला था, तो कब से कब तक मैं बता दूं कि ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन, कितने हुए, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट। लाल कुर्ती मूवमेंट के संस्थापक कौन थे, लाल कुर्ती जो आंदोलन था इसके मुख्य रूप से संस्थापक कौन थे, किसने को लीड किया था, तो वो थे खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, खान अब्दुल गफार खान को एक और नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 29, वेयर वॉज जिया तरंग मूवमेंट स्टार्टेड। जिया तरंग आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था, तो कहाँ की बात करते हैं, तो ये हुआ था मणिपुर। कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि जिया तरंग आंदोलन ये आदिवासी आंदोलन था, मुख्य रूप से मणिपुर में हुआ था, कब हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा हमारा कुल मिलाकर के 29 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब आपको कभी भी इंडिया में कहीं भी फ्री बैच नहीं पढ़ाया जाएगा, और फ्री बैच सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बिहार की बात करते हैं तो ये बिहार की वैकेंसी है, और बिहार में 90% लोग जो होते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होती है लेकिन जज्बा होता है, तो उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आया हूँ। सो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।